दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक अच्छा कप्तान मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जी दोस्तों, अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या की टीम मुकाबला जीती और मैच जीतने के बाद क्या बोले पांड्या, वो सब तो आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी क्या मानते हो कि हार्दिक और रोहित में से आपके अनुसार कौन है बेहतरीन कप्तान? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आखिरकार एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच खेला जा चुका है। इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए थे, तो वहीं गुजरात टाइटंस की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 199 रनों की पारी खेली। हालांकि ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करने के साथ ही गुजरात टाइटंस की टीम ने लगातार इस आईपीएल 2022 के सीजन में एक बार फिर से 7वीं जीत अर्जित कर लिया और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से वो बदला ले लिया है पिछले मुकाबले का जब हैदराबाद ने उनको हराया था। तो इन दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा खुश दिखाई दिए, जहां पर हार्दिक पांड्या ने अपने खिलाड़ियों की तारीफ करे बिना वो रह नहीं पाए और खूब जमकर अपने खिलाड़ियों की उन्होंने तारीफ की। और वहीं इस दौरान उन्होंने हैदराबाद की टीम के तेज गेंदबाज उमरान मलिक की गेंदबाजी को भी काफी ज्यादा सराहाया। जी हां दोस्तों, यहां पर हार्दिक पांड्या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान आते हैं और कहते हैं कि हैदराबाद ने इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया। हैदराबाद की टीम के गेंदबाज उमरान मलिक की गेंदबाजी देखने लायक थी। मुझे जल्द से जल्द लगता है कि उनको भारतीय टीम में मौका दिया जाएगा। हालांकि ऐसा खिलाड़ी ज्यादा समय तक आप सभी को ये लीग खेलता ही हुआ दिखाई नहीं देगा। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द भारतीय टीम में शामिल होंगे। उनकी गेंदबाजी में रफ्तार है और ये रफ्तार बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी घुटने टेक देने पर मजबूर कर देती है। तो वहीं फिर आगे बात करते हुए हार्दिक पांड्या कहते हैं कि आज का ये मुकाबला अगर हम जीत पाए तो वो बस मात्र राशिद खान की वजह से, क्योंकि अगर राशिद खान ने जिस तरह की बल्लेबाजी अंतिम गेंद तक करी वो काबिले तारीफ है और ऐसी बाजी हमको हर वक्त देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन राशिद ने पूरा टीम के लिए अपनी जान झोंक दी और मैच में जीत दिलाकर हम सभी को एक बार फिर से पॉइंट टेबल में टॉप के नंबर पर पहुंचा दिया। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या ने काफी बड़ा बयान दिया है और अब आप सभी की क्या राय है हार्दिक पांड्या के इस बयान के बारे में? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।